हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो एग्जैक्टली आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जब आप रात में ऐसा कहना है, सबका कहना है, डाइटिशियन का कहना है, इवन हमारे आयुर्वेदा चार्य जो हैं उनका भी कहना है कि हमारी बॉडी रात में रिपेयरिंग मोड पर चली जाती है। इसीलिए हर कोई बोलता है और मैं भी बोलती हूँ कि रात में फैट कटर ड्रिंक लेना बिल्कुल। ऐसा मैं इसलिए भी बोलती हूँ क्योंकि रात में ही एक ऐसा टाइम है जिस समय आपकी बॉडी जो है रिपेयरिंग मोड पे जाती है, और रिपेयरिंग मोड में जाने के लिए जाती तो है ही है, साथ में वो टॉक्सिन्स भी बाहर निकालती हैं। और मैं बोलूँ तो अगर आप रात में यूरिन पास करने जाते हैं 2 से 3 बार, इन द सेंस कि आप अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स निकाल रहे हैं, ये बिल्कुल भी बैड हैबिट नहीं है। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये गलत चीज़ है या सही चीज़ नहीं है। अगर आप रात में अपनी यूरिन पास करने जाते हैं 2 to 3 टाइम, तो आप अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स निकाल रहे हैं, यानी आपकी बॉडी आपको रिपेयर कर रही है, तभी आप बॉडी से टॉक्सिन्स निकाल रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इस चीज़ से पर्टिकुलर आपकी बॉडी ज़्यादा टॉक्सिन्स बाहर निकालेगी, और ज़्यादा टॉक्सिन्स बाहर निकालेगी तो इन द सेंस आप ज़्यादा पतले होंगे, आपके ऑर्गन्स ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, और जब ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे, आपके जो हार्मोन्स अच्छे से काम करेंगे, आपका मेटाबॉलिक रेट काफ़ी अच्छे से काम करेगा, तो ऑटोमेटिक बात है कि आप हर बीमारियों से दूर रहोगे और साथ ही साथ आपका वेट लॉस भी बहुत अच्छा होगा। तो जिस चीज़ के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, एग्जैक्टली इसने भी मेरे साथ यही काम किया है, और मेरा वेट लॉस करने का भी मूल मंत्र यही रहा है। इसीलिए मैं आज आपके साथ ये चीज़ शेयर करने आई हूँ, और स्पेशली मैंने बहुत से क्लाइंट इसको यूज़ करके जो है वेट लॉस किया है उन्होंने, तो आज मैंने सोचा क्यों ना ये आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। और आप देख रहे होंगे कि बिजी शेड्यूल के कारण मैं इधर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप डेली बेसिस पे आपको वीडियोस आएंगे, और ये तो कमाल करने वाली है आपकी बॉडी के साथ। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको 1/2 लीटर पानी चाहिए, मतलब ध्यान रखिएगा कि 1/2 लीटर कि मैं 1/2 लीटर ही लेती हूँ, उससे कम नहीं लेती हूँ। तो 1/2 लीटर मेजरमेंट के हिसाब से लेना है। ये जो मेरा मग है ये 1/2 लीटर का है। और अब आपको क्या करना है, गैस को अपनी ऑन करना है और इस पानी को थोड़ा सा आपको गर्म होने देना है। इसके बाद आपको जो ग्लूज वाली ग्रीन टी होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि रात में लूज वाली ग्रीन टी लीजिए, मैं ऑर्गेनिक इंडिया की ग्रीन टी लेती हूँ लूज वाली, सो वो आपको लेनी है। यहाँ पे ये देखिए, ये लूज वाली है, और शैशड वाली मैं दिन में लेती हूँ, तो ये आपको 2 टेबल स्पून लेनी है, क्योंकि ये आपके कैलोरीज को ज़्यादा बर्न करती है, और इसीलिए मैं लूज वाली ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सो आपको 2 टेबल स्पून यहाँ पे लूज वाली ग्रीन टी लेनी, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि सिर्फ आपको इसी ऑर्गेनिक इंडिया की ही लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऑर्गेनिक इंडिया की प्रेफर करती हूँ। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अपना नेक्स्ट स्टेप करना है, आपको जो अदरक है विदाउट छिलका उतारे आपको 1 इंच का टुकड़ा लेना है, और ध्यान रखिएगा थोड़ी सी जूसी वाली लीजिएगा। अब आपको इसे ग्रेट कर लेना है, इसी में अच्छे से ग्रेट करिएगा। अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो आप इसे कूट के भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस में भी करके डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जस्ट इसका एक्सट्रैक्ट इसमें आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको एक लेमन लेना है, उसे कट करके इसका पूरा जो है जूस जो है उस मग में डालना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मग में आप या तो पहले थोड़ा सा लेमन डाल लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लेमन डाल लेती हूँ, या फिर थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। डायरेक्ट अगर आप उस ग्रीन कॉफ़ी को इस मग में डालेंगे तो आपका मग फूट जाएगा, मेरे साथ हो चुका है, 2 मग मेरे ऑलरेडी फूट चुके हैं। तो अब मैं जब भी करती हूँ तो या तो लेमन डाल लेती हूँ फर्स्ट, क्योंकि वो उसके जो टेम्परेचर के ग्लास के टेम्परेचर को अच्छे से सेट कर देता है, कुछ भी नहीं फूटता है, ऐसा मैंने देखा है, या फिर आप थोड़ा सा 4-5 टेबल स्पून आप पानी डाल दीजिए। तो मैं लेमन डाल देती हूँ। आप अगर आपके पास ट्वीज़र नहीं है और आप नहीं इसके नींबू को निचोड़ना चाहते हो तो आप जस्ट लेमन को ऐसे ही इसमें कट करके डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मेरी जो ग्रीन कॉफ़ी है वो अच्छे से बॉयल हो रही है। 2 से 3 मिनट आप बॉयल होने को इसे टाइम दीजिएगा, बहुत जल्दी मत मचाइएगा। जब आपको बहुत अच्छे से बॉयल आ जाए आप अपनी गैस को धीरे करिए और 2 से 3 मिनट तक इसे ऐसे ही पकने दीजिए, ताकि अदरक का एक्सट्रैक्ट और ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट सब अच्छे से इस चाय में आ जाए, यानी कि इस ग्रीन टी में आ जाए, क्योंकि अदरक को भी जूस निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस ये पत्ती वाली है तो इसको भी इसके एक्सट्रैक्ट आने में टाइम लगेगा।
तो 2 से 3 मिनट आप इसे बनाने में दीजिए। जैसे आप सबको मान लीजिए ये कर रहे हैं कि खाना सबको दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, सबको खाना वाना दे के जस्ट आपने एक तरफ अपनी कॉफी सॉरी ग्रीन टी चढ़ा दी। इसके बाद अब मैं फिर से एक बार जो गैस को तेज कर रही हूँ ताकि जो भी अगर ना हो तो चम्मच से मिला दीजिए, मैं चम्मच से नहीं मिला रही हूँ, जस्ट तेज कॉफी करके सारी चीजों को एक बार फिर बॉयल कर रही हूँ, देन उसके बाद धीरा कर रही हूँ। और अब मेरी जो कॉफी है वो लगभग मतलब लगभग नहीं बनके रेडी हो गई है और अब मैं इसे स्ट्रेन करूंगी। तो अब आपको इसे स्ट्रेन करना है और आपकी जो ग्रीन टी है वो बनके रेडी है। और ये मेरा नाइट ड्रिंक है और सच में जब भी मुझे मन होता है कि मैं लूज करूं वेट 2 से 3 केजी, मैं इसे पीना स्टार्ट कर देती हूं और बहुत ही जल्दी मैं 2 से 3 किलो वजन अपना कम कर लेती हूं, जब भी चाहूं, जब भी मुझे लगता है अपनी बॉडी पर। सो फ्रेंड्स, देखा कि ये जो ड्रिंक है इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही आसान तरीके से आप इस ड्रिंक को ले सकते हैं। कैसे लेना है वो भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपको लेना है। और वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।